नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। यह वीडियो मैं उन लोगों के लिए बना रहा हूं जो अभी ITI में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से जुड़े हुए हैं और प्रशिक्षण ले रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। दोस्तों, एक बहुत ही बड़ी खबर आई है कि NCVT ने अपने एग्ज़ाम पैटर्न और उसके नियम में बहुत बदलाव किए हैं, तो उस बदलाव को समझना और जानना सभी छात्रों के लिए बहुत ज़रूरी है। तो आइए दोस्तों, देखते हैं कि क्या क्या मुख्य बदलाव है और उसको लेकर के क्या हमें परिवर्तन करने की आवश्यकता होगी, जिसको जानना सभी छात्रों के लिए बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले NCVT ने जो बदलाव किया है वह एग्ज़ाम पैटर्न को लेकर के किया है। पहले जहाँ एग्ज़ाम सेंटर पर होता था वह OMR सीट पे होता था, अब सभी एग्ज़ाम जो होंगे वो कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन एग्ज़ाम होंगे। यह उन्हीं छात्रों के लिए होगा दोस्त जो अभी अगस्त 2018 के सेशन में एडमिशन लिए हैं। पहले सेमेस्टर सिस्टम के अकॉर्डिंग एग्ज़ाम होता था, हर एक 6 महीने में एग्ज़ाम देना होता था। अब यह एग्ज़ाम जो होगा वह ईयरली होगा और एग्ज़ाम मई जून में पहले हुआ करता था, अब जुलाई अगस्त में एग्ज़ाम होगा। यदि हम सब्जेक्ट की बात करें तो अभी मुख्य रूप से टोटल नंबर जो है वह 700 नंबर का एग्ज़ाम होगा। 700 नंबर को इस तरह से डिवाइड किया गया है दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रेड थ्योरी का, तो ट्रेड थ्योरी 100 नंबर फुल मार्क्स का होगा। इसमें पास होने के लिए आपको 33 नंबर लाना होगा। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल जो है वह 50 नंबर का होगा, इसमें पास होने के लिए 17 नंबर आपको लाना होगा। वर्कशॉप कैलकुलेशन की यदि बात करते हैं तो वर्कशॉप कैलकुलेशन 50 नंबर का फुल मार्क्स होगा, इसमें से 17 नंबर आपको पास होने के लिए लाना होगा। इंजीनियरिंग ड्राइंग की यदि बात करते हैं तो यह 50 नंबर पूर्णांक का होगा, इसमें से 17 नंबर आपको पास होने के लिए लाना होगा। इसी तरह ट्रेड प्रैक्टिकल की बात करते हैं तो ट्रेड प्रैक्टिकल टोटल 250 नंबर का होगा, इसमें से 150 नंबर आपको लाने होंगे पास होने के लिए। फॉर्मेटिव असाइनमेंट जो आप स्कूल में जमा करते हैं वह 200 नंबर का होगा, इसमें से 120 नंबर आपको पास होने के लिए लाना होगा। और बात करते हैं ट्रेड प्रैक्टिकल का, यह एग्ज़ाम कहाँ होगा, तो ट्रेड प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम आपके अपने ही कॉलेज में होगा, होम सेंटर इसका होगा। इसके लिए आपको कहीं भी एग्ज़ाम देने के लिए बाहर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हो सकता है कि इसके लिए जो आपको एग्ज़ाम लेंगे वह बाहर से टीचर अपॉइंट होंगे, या आपके जो कॉलेज के टीचर हैं वह भी इसको ले सकते हैं। अब बात करते हैं जो बदलाव किया गया है ग्रेस मार्क्स का। ग्रेस मार्क्स अब आपको 6 नंबर ही मिलेगा, मैक्सिमम 6 नंबर मिल सकता है और इसको आप किसी भी सब्जेक्ट में ले सकते हैं। ग्रेस मार्क्स वो नंबर होता है, जैसे कि आप पास नंबर 17 है, आप वर्कशॉप कैलकुलेशन में 17 नंबर नहीं आया आपका, आप यदि 16 नंबर ले आते हैं तो यहाँ आपको 1 नंबर ग्रेस मिल जाएगा। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में 17 नंबर आपका नहीं आता है, 14 नंबर आपका आ जाता है, तो आपको बाकी 17 नंबर लाने के लिए जो नंबर घटते हैं 3 नंबर, वह 3 नंबर आपको उसमें मिल जाएगा। तो इस तरह से मैक्सिमम आप 6 नंबर को ही यूज कर पाइएगा, 6 नंबर ही ले पाइएगा। इसके पहले क्या होता था दोस्त, इसके पहले 7 नंबर मिलता था इंजीनियरिंग ट्रेड के लिए और 2 नंबर मिलता था नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड के लिए। 7 नंबर इंजीनियरिंग ट्रेड का कहने का मतलब है ट्रेड थ्योरी के लिए, लेकिन 2 नंबर दिया जाता था वर्कशॉप कैलकुलेशन के लिए और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के लिए। इस सिस्टम को अब हटा दिया गया है, अब टोटल जो है सो 6 नंबर ही आपको मिलेंगे। और ग्रेस मार्क्स में जो पहले मिलता था उसमें जो आपको मार्कशीट मिलता था उसमें जी लिखा हुआ रहता था यदि ग्रेस नंबर मिला है तो, लेकिन अब इस सिस्टम को हटा दिया गया है, अब जी लिखा हुआ मार्कशीट में नहीं आएगा, अब बिना जी लिखा हुआ ही आएगा। तो इस तरह से आपको अपने जो तैयारी है उसको मजबूत करना है, क्योंकि अब जो है सो एग्ज़ाम जो होगा वह कंप्यूटर बेस्ड होगा और कंप्यूटर पे आपको एग्ज़ाम देना होगा। तो दोस्तों, इसके लिए आप अभी से तैयारी शुरुआत कर दें ताकि आने वाले दिनों में आपको कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े। यदि आप हमारे दोस्त हमारे चैनल पे नहीं आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा जो भी आपके दोस्त हैं और ITI में पढ़ रहे हैं या भविष्य में ITI करना चाहते हैं तो उनके बीच इस वीडियो को शेयर करें ताकि यह जानकारी सभी छात्रों तक पहुंच सके।
और उनको सही से अपने एग्ज़ाम देने में सहायता मिल सके। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।